हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की। और आप देखिए कि कुछ बड़ी खबरें आएंगी इसमें और वो उन बड़ी खबरों का असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ठीक है, पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात की थी हमने लास्ट वीडियो में, एंड वहां से मुझे लगता है कि कुछ नई बड़ी खबरें आएंगी जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। और उन खबरों की बात करेंगे, एंड बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ा धमाका हो सकता है क्या नहीं, और बुलिश रहेगा बेयरिश रहेगा हमारा स्टॉक, इस बारे में भी हम बात करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम अपना एक नया टारगेट स्ट्रक्चर करेंगे कि नया टारगेट आप क्या लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक में, और कितना आप इसमें टारगेट करेंगे, कितना अचीवेबल होगा, कितना नॉट अचीवेबल होगा वो टारगेट, इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें पीएनबी की, तब देखिए कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में हमारा स्टॉक गिरा जरूर था, बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा दबाव में था, और जिसकी बात हमने पहले भी की थी कि ये इंटरनली नहीं था, एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरा था। तो ओवरऑल आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम खबरों पर चलते हैं सीधा डायरेक्टली। आप देखिए कि मैंने क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात की थी और क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। एक साल पहले इन्होंने लॉस घोषित किया था, इट हैड पोस्टेड अ नेट लॉस ऑफ 492 करोड़, 492 करोड़ का एक लॉस पोस्ट किया था इन लोगों ने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, एंड इस साल 506 करोड़ का प्रॉफिट घोषित किया है इन्होंने। तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है और इसका आने वाले समय में पॉजिटिव असर दिखाई देगा हमें। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो वहाँ उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, वहां पे मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चले, अगर आप और ज्यादा बाय करके एवरेज करना चाहें तो वहां पर कर सकते हैं आप। बट ओवरऑल इस खबर की बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम अगली खबर पर चलते हैं सीधा। देखिए कि ये है हमारी मेन खबर जो 6 तारीख की है और आज 7 है और कल 8 को यानी मंडे से हमारे ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होंगे, तो इस खबर का भी असर हमें मार्केट पर दिखाई देगा। आप देखिए कि ये खबर आई है, पीएनबी रिसीव्स लोन रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट ऑफ ओनली ₹12,000 करोड़ सेज पीएनबी एमडी। 40,000 करोड़ के आसपास का इनका लोन था और वहां से आप देखिए कि पीएनबी द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर हैज रिसीव्ड लोन रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट वर्थ ₹12,000 करोड़ आउट ऑफ 40,000 करोड़ इट हैड एंटीसिपेटेड ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। 12,000 करोड़ तक के लोन को रिस्ट्रक्चर करने की रिक्वेस्ट आई है, 40,000 ये एंटीसिपेट कर रहे थे, 40,000 इन्हें लगा था 40,000 करोड़ का लोन का रिक्वेस्ट आएगी बट रिस्ट्रक्चर करने के लिए, बट यहाँ पर सिर्फ 12,000 करोड़ की रिक्वेस्ट आई है। मेनली इसमें जो रिटेल बोरोवर्स हैं वो एमडी कहते हैं कि जो बड़ा रीजन रहा है इसमें कमी आने का वो है कि रिटेल बोरोवर जो थे वो उन्होंने मोरिटोरियम को सीरियसली लिया ज्यादा और वहां पर उन लोगों ने नीड फील नहीं की कि लोन को रिस्ट्रक्चर भी करवाना है। ठीक है, तो वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग रिक्वेस्ट बहुत कम आई है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया है इनका, और 9,000 करोड़ के आसपास दिसंबर 31 तक था, जनवरी एंड फरवरी में अब सिर्फ 3,000 करोड़ के आसपास का लोन रिस्ट्रक्चर बढ़ा है इनका, तो यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज है ये। ठीक है, इसका असर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दूसरी खबर की बात करें तो ये अच्छी खबर है, पंजाब नेशनल बैंक एक्सपेक्ट 3800 करोड़ रिकवरी फ्रॉम भूषण पावर रेजोल्यूशन। देखिए, जैसा मैंने पहले भी वीडियोज में कहा है आपको कि पीएनबी जो है हमारा वो रिकवरिंग बैंक है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खबरें आई हैं इसके लिए, 12,000 करोड़ का लोन रिस्ट्रक्चर हो रहा है, 40,000 करोड़ इन्होंने एंटिसिपेट किया था, बट ओवरऑल वहां से थोड़ा बहुत तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके वहां से वो रिकवर होगा, रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो स्लो है थोड़ा सा, बट ओवरऑल अगर देखें हम तो वहां पर ठीक ठाक रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है कि एनपीए जो था इनका, इन्होंने 15% ग्रॉस एनपीए एंड 5% के आसपास नेट एनपीए रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहा है पीएनबी और उसी की वजह से मुझे लगता है कि जिसका स्टॉक है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि पीएनबी एक्सपेक्ट्स 3800 करोड़ रिकवरी फ्रॉम भूषण पावर रेजोल्यूशन। भूषण पावर ने जो लोन लिया था 8000 करोड़ के आसपास का, वहां से 3800 करोड़ रुपए इनके पास रिकवर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी पीएनबी जो एक्सपेक्ट कर रहा है टू रिकवर सब्सटेंशियल 3800 करोड़ फ्रॉम भूषण पावर एंड स्टील अंडर डेट रेजोल्यूशन इन एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल विच विल हेल्प इट अचीव द टारगेट ऑफ 8,000 करोड़ कैश रिकवरी ड्यूरिंग दिस फिस्कल। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव सेड कह रहे हैं कि एनसीएलटी ने बोला कि 8,000 करोड़ तक का ये लोन अचीव मतलब एनपीए अचीव करवाने में मदद करेंगे इनके, और उसमें से 3800 करोड़ रुपए लगभग 4,000 करोड़ रुपए भूषण पावर से ये रिकवर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, आने वाले दिनों में देखिए अगर एनसीएलटी ने कहा है हमारा तो 8,000 करोड़ का लोन रिकवर होगा इनका, और वहां से अगर कुछ पैसा आता है इनके पास तो वहां पर एनपीए भी रिड्यूस होगा इनका,
और जो टैक्स जो इनको लोन देना है यानी पीएनबी को जो लोन पे करना है चाहे वो किसी और बैंक को हो चाहे आरबीआई को हो, वहां पर भी जब वो पे करेगी पीएनबी तो वहां से इंटरेस्ट पेमेंट भी इनका कम होगा, वहां से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करके हमारा बैंक आउट ऑफ स्ट्रेस जोन आ रहा है, ठीक है। यहाँ बैंकिंग सिस्टम में भी आप बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है जिनका असर हमें आने वाले समय में भी दिखाई देगा। तो अब देखिए कि अगली अगर हम लाइन की बात करें, द सिटी बेस्ड लेंडर आल्सो होप्स टू मेक गुड रिकवरी ऑफ इट्स एक्सपोजर इन क्राइसिस इन डीएचएफएल। डीएचएफएल से भी अच्छी खासी इन्हें रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं ये, और डीएचएफएल जैसे ही जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसका वो उसके तहत जा रहा है, पिरामल जैसे ही उसे अपने अधीन कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, वैसे ही फिर डीएचएफएल का लोन की भी बारी आएगी, तो वहां से डीएचएफएल का भी लोन इनका पूरा होता हुआ दिखाई देगा और वहां से भी एनपीए इनका बाहर आएगा। स्टिकिंग टू द बैंक्स प्रीवियस गाइडेंस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग, द ग्रॉस एनपीए बिलो 14%, नेट एनपीए लोअर देन 5%, ग्रॉस एनपीए 14% और नेट एनपीए इनका 5% से बाय द एंड ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। तो जैसा गाइडेंस है कि इस साल के अंत तक इनको 14% है ग्रॉस एनपीए में, 14% से कम इनका ग्रॉस एनपीए होना चाहिए और 5% से कम इनका नेट एनपीए होना चाहिए। इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे इस फिस्कल ईयर के एंड तक। तो ओवरऑल अगर दोनों ही खबरों की बात करें तो दोनों ही खबरें बहुत अच्छी हैं और इनका असर आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा। और हम आगे नहीं जाएंगे क्या क्या आया है, बट आप देखिए कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि एनपीए हमारा रिकवर हो रहा है, चाहे वो भूषण पावर से हो चाहे वो डीएचएफएल से हो। और एनसीएलटी ने बोला है कि इस साल वो 8,000 करोड़ के आसपास का अगर लोन रिकवर करवा के देंगे तो वहां पर भी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। पीएनबी ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी और वहां पर रिक्वेस्ट आई है 12,000 करोड़ का रिस्ट्रक्चर करने के लिए। तो धीरे धीरे करके जो पीएनबी है वो आउट ऑफ स्ट्रेस जोन हो रहा है, आपको भरोसा दिखाना होगा। एकदम से जो स्टॉक है हमारा वो ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, बट स्लोली आप देखेंगे कि इस बैंक में रिकवरी हो रही है। पिछली बार मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे, आप देखिए यहाँ से बहुत अच्छा खासा एक मूव आया है हमारा इस स्टॉक में, और अब थोड़ा सा हल्का सा गिरावट का माहौल बना था फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, बट ओवरऑल वो आप देखेंगे तो पूरे बाजार पे बना था, ना ही सिर्फ पीएनबी में, और बैंक्स को देखें या और हम स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पे भारी भरकम गिरावट भी हुई थी। पीएनबी एक स्ट्रेस्ड बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनपीए भी बढ़ा हुआ था पिछले दिनों और कई सारे स्कैम्स की वजह से इसका जो गुडविल है वो भी डाउन चला गया था, बट वहां से अब थोड़ा सा ये ग्रोथ में आया है, तो आपको ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट करनी होगी इसमें। और यहां से थोड़ा सा आपको फेस दिखाना होगा बैंक के ऊपर, बैंक के फंडामेंटल्स के ऊपर और एसकेएमडी के ऊपर, एसएस मल्लिकार्जुन के ऊपर, ठीक है। तो वहां से मुझे लगता है कि अब पीएनबी के अच्छे दिन शुरू होंगे, बट क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो कल या परसों में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें आता हुआ देख सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, एकदम फ्री प्ले नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी, आपको जितना फ्री होकर आप खेल रहे हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप इसमें जरूर यूज कर सकते हैं, जैसे ही आपका स्टॉक गिरता है आप और बाय करने की स्ट्रेटजी रख सकते हैं, आपको लगता है कि पीएनबी आने वाले समय में और अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है और ऐसा होगा भी, ठीक है। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का ठीक ठाक हाल चल रहा है, पीएनबी की बात करते हुए कुछ ज्यादा ही तेजी से रिकवर कर रहा है, तो अभी गलती नहीं करनी है हमने, अभी हमने होल्ड करके रखना है स्टॉक को, थोड़ा सा गिरावट का माहौल बन सकता है, जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो कर सकते हैं, बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको होल्ड करने की स्ट्रेटजी सबसे बेहतरीन रहेगी। आने वाले समय में जो पंजाब नेशनल बैंक है वो हमें और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट है वो अभी भी 100 रुपीज का ही है और एक साल में मुझे लगता है 100 रुपीज क्रॉस करके देगा हमें, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।